मनरेगा मजदूरों ने अपनी ग्राम पंचायत के पंचायत मित्र को हटाने के लिए किया धरना। वही मनरेगा मजदूर पंचायत मित्र पर लगा रहे मजदूरी के एवज में पैसे की मांग का आरोप। जी हां, खबर है जनपद बहराइच के विकास खंड कैसरगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गुलरिया गाजीपुर के मनरेगा श्रमिकों द्वारा खंड विकास कार्यालय कैसरगंज में एक शिकायत प्रार्थना पत्र रोजगार सेवक के रूप में नारायण के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि रोजगार सेवक द्वारा मजदूरी से मजदूरी के पैसे में हिस्सा मांगा जा रहा है। और ये भी आरोप लगाया कि यदि कोई मजदूर मजदूरी में हिस्सा ना देगा तो उसका कार पर नहीं रखा जाएगा। श्रमिकों ये भी आरोप लगाया कि मजदूर को अन्य जगह पर कार्य करने से भी रोका जा रहा है, तथा ये कहते जाते हैं कि यदि कहीं अन्य जगह पर कार्य करोगे तो तुमको मजदूरी नहीं देंगे। इसी क्रम में गांव के श्रमिकों ब्लॉक कैसरगंज में पर इकट्ठा हुए और एक शिकायत प्रार्थना पत्र एपीओ को सौंपा। इस विषय पर एपीओ आलोक कुमार मिश्रा ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस विषय पर जब ग्राम रोजगार सेवक रूप नारायण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पैसे की मांग वाली बात गलत है और पूर्णतः निराधार है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान मुझसे गलत मास्टर रोल भरवाने चाहते हैं पर मैंने मना कर दिया है, जिससे सुरबुद्ध होकर ग्राम प्रधान द्वारा अपने व्यक्तित्व को इकट्ठा कर शिकायत कराई गई है। मेरी भी ये मांग है कि शिकायत की जांच कराया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ बहराइच। जो काम की निगाह है, आपने कहाँ काम किया है अपने गांव पंचायत में? गाजीपुर में। कौन मजदूरी नहीं दे रहा है? रूप नारायण जो कह रहे हैं कि जो काम करोगे वो पैसा नहीं मिलेगा, ये नाजायज काम हो रहा है। रूप नारायण कौन है? पंचायत मित्र। आपके गांव पंचायत के? जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो काम किया है ये भी पैसा आपका नाजायज है, जो काम किया कर रहे हो वो भी नाजायज है। तो हमको कमीशन दीजिए। क्या कह रहे हैं? कमीशन दीजिए हमको। क्या नाम है आपका? तारा चंद। कमीशन कितना मांग रहे हैं? 5% क्या? जितना काम करोगे 5% हमको दीजिए कमीशन, तभी पैसा पाओगे, नहीं एक पैसा नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है? रूप नारायण, पंचायत मित्र। पंचायत मित्र? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने की? जी सर। जी सर। कहाँ पे शिकायत की है? यहाँ वीडियो के पास। वीडियो के पास। तो वीडियो साहब ने क्या कहा आप लोगों से? अभी कुछ भेंट नहीं हुआ। अभी नहीं कुछ हुआ। लोग उनको सस्पेंड चाहते हैं, सस्पेंड किया जाए। ये शिकायत की है आपने वीडियो साहब से? हाँ अभी किया है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? वो कहे मौके देख के काम किया जाएगा। यहाँ गाजीपुर के नरेगा मजदूरों ने आपको शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या करेंगे? इसकी जो शिकायत हमको मिली हुई है जी, प्रधान जी की तरफ और लेबर लोग जो भी आए हैं, इनकी मतलब शिकायत पे हम लोग अभी निकल रहे हैं। इसके यहाँ मतलब स्त्री जो है मौके पे क्या हुआ है जो भी उस पर देख के, उनकी जो भी अगर उसमें दोषी है जी, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। नहीं, एक जानकारी चाह रहे हैं जी। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि रूप नारायण जी जो हैं जी, वही पैसा हम लोगों को देते हैं या जनरेट करते हैं ब्लॉक से, नहीं, तो क्या ये सत्य है? नहीं नहीं, ये सब बेबुनियाद आरोप है, इस तरह नहीं होता है जी। क्या प्रक्रिया है इसकी? प्रक्रिया ये होती है जी, मास्टर रोल जैसे जब हमारे यहाँ सचिव और रोजगार सेवक जब और प्रधान डिमांड देते हैं जी जी, तब मास्टर रोल निकलता है जी। उसके बाद मास्टर रोल भरा जाता है, भर के फिर ब्लॉक पे आता है, उसको MB कर TAMB करते हैं जी। ठीक है जी। जब TAMB करेंगे तत्पश्चात जो है मास्टर रोल भरा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मान लिया अगर जो ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो उसमें सिर्फ रूप नारायण का दोष नहीं है, ग्राम पंचायत अधिकारी भी दोषी माने जाएंगे? नहीं नहीं, इसमें उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी का इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि जो अटेंडेंस का होता है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से होता है जी। उसमें अब जैसे नया सिस्टम में प्रावधान किया तो उन्होंने जो है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जो है करते हुए अटेंडेंस उन्होंने लेके जी उसको 0 फीट कर दिया जी। ठीक है।